गाइस कैसे आप सभी लोग। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं हम लोग के फनी बनी चैनल पे। तो आज हम लोग पीछे हैं ज़रा। तो आज मैं बताऊंगा आप लोग विंटर केयर एंड समर केयर कैसे दे सकते हैं अपने बनी को। जब विंटर होगा तब वो लोग ज़्यादा खाते नहीं ज़्यादा खाते हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं, यानी दौड़ते बहुत दौड़ते रहते हैं। तो ये तो समझ ही गए होगी जे, बस तब वो लोग बस दौड़ते हैं, उन लोगों का एनर्जी रहता है तब, और बहुत खाता है उन लोग का। आप कुर्मी का साग होता है ना, वो खिला सकते हैं एक, और एक है फूलगोभी का पत्ता, गाजर, वो बहुत खाएंगे उस टाइम। और अगर आप लोग घर पे छोड़ के रखते तो अच्छा ही है, उस उन लोग का हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और समर, अगर हम लोग समर का डिलीवरी दें, वो लोग हट्टे में सो ही रहते हैं। आप लोग समझ रहे हैं वो दिमाग बीमार है ऐसा नहीं है, वो सो ही रहते हैं। खाना ज़रा कम खाते हैं तब उन लोग को पानी पिलाना चाहिए। अगर वो लोग पानी का आप लोग सिंपल बाटी में देते हैं, वो ऐसे ऐसे फेंक देता है दांत से पकड़ कर, तो आप लोग क्या करेंगे भाई, जो डॉग बॉल्स होता है छोटा छोटा डुबल्स का, उसको रख देंगे। वो उसको ना ज़रा सा चम्मच में थोड़ा थोड़ा बस आदत कराइएगा तो वो खाएगा। और गर्मी में क्या होता है, वो लोग ना बहुत आलसी टाइप को हो जाते हैं, यानी अगर एक है तो बहुत आलसी टाइप। अगर आपको लगे वो बीमार है तो नहीं, वो सीज़न की वजह से ही है। तो इसके लिए ये है वो कि वो लोग गर्मी में वो लोग बहुत वो होता है उन लोग का, जैसे ठंड में एनर्जी, वैसे गर्मी पे तो होता ही नहीं है ना, ऐसा ही है लोग का। तो वही मैं बोल रहा था, तो गर्मी में उन लोगों को नहीं मिलता इसके लिए। तो ठंड में जितना कर सकते खाना दीजिए, वो लोग गर्मी में अच्छा रहेंगे। और गर्मी में जो भी सब्जी साग फूलगोभी पत्ता, उसके बाद बादल कॉफ़ी, ऐसा सब अगर देते हैं तो उन लोग को पहले अच्छे से पानी में धो ले, तो वो ठंडा हो जाएगा। अगर है चीज़ तो वो ना पच जाएगा, इसके लिए उसको फ्रिज में रखा करिए, वो ठंडा रहेगा। और उसको जब भी देंगे खाना, पानी में भिगो कर धो कर दीजिएगा, तो क्या एकदम फ्रेश रहेगा, तो वो पूरा खाएगा और ठंडा भी होगा ना इसके लिए। तो बाय गाइस, आज के लिए इतना इन्फॉर्मेशन। टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।